भी लगी हो या कोई डिवाइस मान लो, मोबाइल ही मान लो, जो भी आप समझो इसके कोई डिवाइस है, हम इसको यहाँ पे आईसी मानते हैं। एक आईसी है, इसकी कैपेसिटी है कितनी, 3.7 वोल्ट। कितना, 3.7 वोल्ट से ये आईसी है ये चलती है, यानी कि इसमें हम 3.7 वोल्ट की सप्लाई देंगे और इसके बीच में जो कंपोनेंट लगे हैं वो कंपोनेंट भी लगे रहते हैं। इस पे हमने क्या किया, वोल्टेज दिया 3.7 वोल्टेज और ये प्लस सप्लाई है और मैंने यहाँ से एक सप्लाई इस पे दे दिया माइनस का। क्या दे दिया, माइनस का, ये प्लस का। तो ये आईसी प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ भाई बात, कोई दिक्कत नहीं। आईसी को जितना चाहिए उतना मिल रहा है, लेकिन कहीं से मान लो फॉल्ट हुआ, ये वोल्टेज जो यहाँ पे हमने बनवाना है एरो से, मान लीजिए इस पे प्रॉब्लम आई और यहाँ पर चार्जर से, भाई वोल्ट कहाँ से आ रहा, चार्जर से कहीं से भी आ रहा, इसमें कुछ प्रॉब्लम आई और ये वोल्टेज बढ़ के कितना हो गया, 4.7 हो गया, एक वोल्ट बढ़ गया, कितना बढ़ गया, एक वोल्ट बढ़ गया। तो अब ये सप्लाई यहाँ से तो जा ही रही ऑलरेडी, और इसकी कैपेसिटी कितनी थी, 3.7 की थी, तो भाई थोड़ा बहुत और झेल सकती है। चलिए मान लो 4 वोल्ट ये भाई बर्दाश्त कर लेगी, 4.2 वोल्ट बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन आ कितना रहा है, 4.7 आ रहा है, तो ज़्यादा वोल्टेज हो गया ना, तो ये आईसी कुछ देर भैया क्षमता उसकी जो है वो देखेगी। तो 4.7 मान लो इसे 3.7 आ रहा है, तो ये पूरे दिन काम करेगी, 24 घंटे बराबर चलती रहेगी, लेकिन अगर 4.7 वोल्टेज आ गया तो ये मुश्किल से 5 मिनट या 10 मिनट में ओवर हीट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट से गर्मी होती है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो रही है, तो ये आईसी क्या हो जाएगी, 5 या 10 मिनट तक चलेगी और उसके बाद क्या हो जाएगी, जल जाएगी। लेकिन सर ये जीनर डायोड के पीछे तो वो लगाया जाता हुआ 100%, किसके पीछे, जीनर डायोड के, वो तुम्हारी डीसी मशीन रखी, कहाँ जीनर डायोड लगा बताओ, मैं तो डीसी मशीन, हाँ डीसी मशीन पीछे लगी है, जाओ तो देखो, खोल के देखो कहाँ जीनर डायोड लगा है, दिखाओ भाई, दिखाओ दिखाओ, कन्फ्यूजन दूर करो, दिखाओ भाई, ये डीसी मशीन है तुम्हारी, ये एसएमडी मशीन है जितनी है, सबके पीछे लगा होता है, इन्वर्टर में भी लगा होता है, दिखाओ भाई, इनको उठा के दो हाथ में, देखो पहले, कन्फ्यूजन दूर करो, अरे केबल लगी रहने दो, सबसे पहले फ्यूजर लगा लो, कहाँ जीनर डायोड लगा है, जीनर डायोड काम अलग होता है मेरे भाई, इसका काम अलग है, जीनर डायोड खराब हो गया, अरे जब कह रहे हैं उसका काम अलग है, ठीक। तो आईसी क्या हो जाएगी, ये डैमेज हो जाएगी, खराब हो जाएगी आपकी, जब ये ज्यादा वोल्टेज आएगी, कुछ देर के लिए चलेगी, इसके बाद ऐसी मर जाएगी। तुमको तो एक्सपीरियंस होगा, जब मुर्गा काटते हो तो कितनी देर लगता है, ठीक है साहब, काट दो तो तुरंत तो नहीं मरता, कुछ देर तो फड़फड़ाता है ना, हाँ 10-20 सेकंड, हाँ। तो ये ऐसी भी वैसे कंडीशन में है कि भाई जितना चाहिए उससे ज़्यादा उसको मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, तो कुछ देर ही फड़फड़ाएगी, जितनी देर 5-10 मिनट फड़फड़ाएगी और उसके बाद खत्म, ख़त्म कहानी, लेग पीस हो गए जाके, क्यों सब दाम खाते हो, नहीं खाते हो, लेकिन देर तक फड़फड़ाना, फड़फड़ाती काफ़ी, हाँ तो 10 मिनट तक मैंने आप बताया ऐसी धड़कता है मुर्गी के लिए, तुमने काट काट डाली उसको, समझने के लिए। अब एक बात समझ में आएगी, मतलब ओवर वोल्टेज मिला, चाहे यहाँ पे आईसी हो, चाहे यहाँ पे कोई डिवाइस लगी हो, कुछ भी हो, चाहे कंपोनेंट, अगर ओवर वोल्टेज आएगा तो खराब हो जाएगा, समझो। तो इसको सही करने के लिए ओवर हवा कर देंगे तो फट जाएगा, क्या टायर जो होते हैं, हाँ फट जाएगा भाई ये, ठीक। तो ओवर में क्या, कुछ तो कैपेसिटी होगी भाई, ओवर से थोड़ा ज़्यादा, अब ज़्यादा ओवर कर दोगे तो कुछ देर बर्दाश्त करेगा, बाद बाकी फट जाएगा, ठीक। यहाँ पे बात कर रहे हैं वोल्टेज फ्यूज के बारे में, ठीक। तो इसका सलूशन निकालने के लिए क्या किया गया, इसी के बीच में सोचा गया यार ऐसा काम करते हैं, ये तार है, इसकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको मैं यहाँ से थोड़ा कट कर देते हैं और इसी के बीच में हमें क्या करते हैं, एक कवर्ड जो है, एक फ्यूज लगा देते हैं,
फ्यूज का मतलब इस तरीके से रहेगा, इसके अंदर जो वायर रहेगा पतला वाला, इसके अंदर जो पतला वायर रहेगा ये वाला, इसकी कैपेसिटी कितनी रहेगी, 3.9 वोल्टेज इसकी कैपेसिटी रहेगी, कितनी रहेगी, 3.9 रहेगी। कि अगर इधर से 3.7 आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से अगर 3.9 भी अगर वोल्टेज अगर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं आईसी पे, ठीक है। लेकिन जैसे ही 40 यानी 4 वोल्ट होगा, 4.0 होगा, तो इसे क्या करेगा, ये कह रहा है कि हम ये यहीं से जो है तार जो है क्या हो जाएगा, जल जाएगा, और ये करंट आगे जो जा रहा था वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और आगे की जो आईसी ये कंपोनेंट है क्या हो जाएंगे, सब सुरक्षित हो जाएंगे। आई बात समझ में नहीं आई, ठीक है। मतलब कि जब इस पे ज़्यादा वोल्टेज आया तो ये इसने आपको क्या कर लिया, जला दिया। जैसे अभी तुमने सुना था यूक्रेन में एक ये जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा था, अभी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, तो वहाँ के एक फौजी ने क्या किया था कि रूस की जो सेना आ रही थी उसने अपने साथ में बम लगा के पुल को ही उड़ा दिया, तो क्या हुआ, खुद तो मरी गया, तो लेकिन जो है उनकी सेना आगे नहीं पहुँच पाई। तो वही ये सेना, अगर सेना यहाँ से जा रही तो उसने पिता पुल ही उड़ा दिया है कहने का। आ गई बात समझ में, नहीं आई, अरे तो हाँ वही तो गलनांग आपको बता रहे, गलनांग ओवर वोल्टेज जब इस पे आएगा तो वो गल जाएगा, टूट जाएगा, जब टूट जाएगा तो आगे वोल्टेज जाएगा नहीं, और ये आपकी जो सर्किट है ये आईसी जो भी लगा है वो सब के सब ओके रहेंगे, और ये खराब हो जाएगा तो आपको इसको चेक करके फिर से क्या करना पड़ेगा, दूसरा फ्यूज लगाना पड़ेगा। फिर उड़ रहा है तो आप चार्जर वगैरह चेक करोगे, भाई कहाँ से ओवर वोल्टेज कहाँ से आ रहा है, क्यों ओवर वोल्टेज आ रहा है ना, यही तो है। यार तो ये मेरी बात सुनो पहले, तो आईसी या कुछ भी है वायर दो है, ये प्लस माइनस, फ्यूज हमेशा प्लस पे लगता है, माइनस पे लगता ही नहीं है, पहली बात तो माइनस पे तो लगते ही नहीं, प्लस पे रहता है फ्यूज। अब ये जो है ये इनपुट हो रहा है, क्या हो रहा है, ये वोल्टेज आईसी में क्या हो रहा है, इनपुट हो रहा है। अब यहाँ से कई जगह से तो भैया आउट भी होगा, नहीं आउट होगा, चलिए मान लो ये पावर आईसी है, ठीक, तो ये इधर से क्या हो गई, आउट होगा, प्लस माइनस, यहाँ से मान लो स्पीकर के लिए अगर जा रहा है, यहाँ से सप्लाई माइक के लिए आउट हो रही है, अब बताओ, ठीक है, यहाँ से लिए सीपीयू के लिए वोल्टेज जा रहा है, यहाँ से रिंगर के लिए वोल्टेज जा रहा है, यहाँ से नेटवर्क आईसी के लिए वोल्टेज जा रहा है, इधर से